الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام اہل وطن کو، تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا آٹھواں روزہ مبارک ہو. عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں وینس ایچ ڈی پر، اور ماشاءاللہ روزے جو ہیں جیسے جیسے چلتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور دل میں یہ ایک حسرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سارے روزے نصیب کرے اور اللہ پاک زندگی نصیب کرے کہ ہم سے کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے. اور کبھی اللہ دے کے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ابھی ہیں اور کیا پتہ وہ آگے ہوں یا نہ ہوں. اسی لیے سب کے لیے خیر کی دعا کرتی ہوں کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن عبادت رمضان کا آغاز کرتی ہوں. اور آج میں آپ سے میسج یہ شیئر کروں گی، اور آج ٹاپک بھی ہے اخلاق کا. اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو روزہ بھی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے، یعنی کہ صبر، یعنی کہ وہ چیزیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر چلتے ہوئے، اگر ذرا سا کوئی آگے نکل جائے اور ایک ہارن بہت 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 ایک بدتمیزی چل رہی ہوتی ہے جو یہ پریزنٹ کرتی ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری تربیت کیسی ہے. اور اس وقت اللہ پاک نے ہمیں کوئی، اللہ پاک کو کیا ہے ہمیں بھوکا رکھ کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اسے بڑی کیا خوشی ہوتی ہوگی کہ ہم بھوکا رہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ صرف ایک انسانیت کا سبق ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں اخلاق سکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی جو شاید بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک اپنے بہت ساری چیزوں سے ہمیں سکھاتا ہے. روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج ادا کر کے، یہ سب کچھ ہمیں صرف اور صرف آپ ان پانچوں چیزوں کا لبے لباب نکالیں تو پتہ کیا نکلتا ہے؟ انسانیت.
और सीखना है ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, छोड़ दें सबको। मेरे रब ने जिसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। एक बुढ़िया बैठी थी अपने दरवाजे पे सारा सामान इकट्ठा करके, और वो तो बुतों की पूजा करने वाली थी और बहुत उम्र भी उसकी बहुत ज्यादा थी। सामान लेके बैठी थी कि कोई मेरी मदद कर दे और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से गुजर हुआ। तो वो बुढ़िया क्यों वहां से जा रही थी मक्का से, तो उसने कहीं सुना था कि कोई जादूगर है जो अपने गिरफ्त में मुब्तला कर देता है, अपने मजहब का गर्विदा कर देता है और अपने इखलाक से दूसरों पर असर कर जाते हैं। अब उन्हें ये तो नहीं मालूम था ना, वो ऐसा दिखते हैं ऐसे दिखते हैं, उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था उनका नाम मोहम्मद है। वो ऐसे इंतजार कर रही थी और वहां से अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होता है तो क्या नहीं हो सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ और इखलाकन उन्होंने उस बुढ़िया से पूछ लिया और कि आप खैरियत, आप यहाँ बैठी है? तो उन्होंने कहा बेटा मैं यहाँ से सामान ज्यादा है तो थोड़ा मेरी मदद कर दे, मेरे सर पे रख दे। क्या वकार है, क्या बुलंद मकाम है मेरे नबी का। उन्होंने सामान उठा के देखा तो कुछ वजनी था, तो उन्होंने कहा कि आपने कहाँ जाना है, मैं आपको वहां तक छोड़ आता हूँ। इधर नहीं पूछा गया आप मुसलमान हैं, आप किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं, आप मेरे अल्लाह को मानती हैं तो मैं आपकी मदद करूं, नहीं। उन्होंने उनके साथ चलना शुरू कर दिया और थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू रही, आपने कहाँ जाना है तो आप कहाँ जा रही हैं। उन्होंने कहा मैं बुतों की पूजा करती हूँ और मुझे अब डर लगता है कि कहीं मैं क्योंकि मक्का में एक जादूगर आ गया है और वो अपने मज़हब में लोग उसके शामिल हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं मरने से पहले पहले अपने आबाओ अजदाद से शर्मिंदा हो जाऊँ, क्योंकि मैं बुतों की मानने वाली हूँ और कहीं मेरे पर भी उसका जादू असर ना हो जाए। अच्छा, जब वो मंजिल तक पहुँच गई और जब उनको छोड़ दिया, उन्होंने बहुत सारी उनको दुआ भी दी कि तेरा बहुत शुक्रिया। उन्होंने जब मुड़े और चलने लगे तो उन्होंने उन बुढ़िया ने आवाज़ दी, बात सुनो बेटा, भतीजे मेरे बात सुनो, क्योंकि उस वक्त अपने अपने हिसाब से लोग मुतवज्जा करते होंगे, आवाज़ देते होंगे। तो उन्होंने कहा बेशक मैं दूसरे शहर जा रही हूँ और उस जादूगर की ज़रूर बताऊंगी कि जिसकी वजह से मैं यहाँ ज़माने से रहती थी, आज मैं जा रही हूँ, बड़ी दुखी हूँ, लेकिन मुझे तुम अपना नाम तो, लेकिन तुम्हारी ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि एक लड़का मुझे मिला, उसने मेरी इतनी मदद की, उसने मेरा कुछ ना पूछा, तो तुम अपना नाम तो बता दो। तो आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसकी वजह से तू दर बदर अब यहाँ से छोड़ के जा रही है और जिसकी तू अभी कह रही थी ना जो जादूगर आ गया, जो लोगों का मजहब ले लेता है, उसके लोग गर्विदा हो जाते हैं, तो वो मैं ही हूँ। क्या मकाम है। बुढ़िया ने फौरन कहा अगर तू ही है तो मैं तेरा कलमा पढ़ती हूँ, तेरे रब का कलमा पढ़ती हूँ। तो ये इखलाक है और बचपन से हम अपने असबाक में पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी तो बीमार हो गई तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने चले गए। हम तो अगर हमारा सगा भाई हमें हमसे बदतमीजी कर जाए तो हम तो वो मर भी जाए तो हम एक जुमला उसके मरने से पहले कह देते हैं अब मैं तुझे नहीं देखूंगा, मर जाएंगे तो मैं इसके जनाजे पे भी नहीं जाऊंगा। अरे आपकी क्या औकात है, कब तक आपने जिंदा रहना है, जिन्होंने 900-900 साल पैगंबराने दीन ने अपना वक्त गुजारा तो वो दुनिया में नहीं रहे, आपकी क्या औकात है। और आप ये कहते हैं कि मैं अपने भाई को नहीं देखूंगा, पड़ोस में आपका कोई भूखा शख्स है आप उसको नहीं देखते, आपकी क्या औकात है। आप सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रख लेना बड़ी बात होगी। और वो लोग अल्लाह पाक मुकर्रर फरमाते हैं जो दूसरों की खिदमत के लिए बनते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, वो अल्लाह पाक मुंतखब करता है। मैं और आप जैसे तो उस लिस्ट में भी नहीं आते। किसी बहन भाई का ख्याल रखना, किसी बेटी के सर पे हाथ रखना, किसी बहन के सर पे हाथ रखना और लोगों के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचना कि मैं चला भी जाऊं तो एक वकार बुलंद हो आने वाली नस्लों का, ये कम लोग सोचते हैं। और हम जिसकी उम्मत में से हैं उसका आप जर्रा बराबर भी अपना लेना तो शायद
हम अच्छे इंसान बन जाएं। आज का मैसेज ये है और आज का हमारा टॉपिक भी इखलाक पर है। थोड़ी देर पहले बुरहान तलावत कलाम पाक पेश करे थे और बाकायदा हमारे प्रोग्राम का आगाज हो गया इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन। और हमारी पूरी भरपूर कोशिश है मेरी टीम की और अल्लाह पाक इन सब मेरी टीम को जज़ाए खैर दे जो बहुत सपोर्टिंग है और बहुत ख्याल रखते हैं। चाहे कोई भी एक पर्सन या झाड़ू भी लगाता है वो मेरे लिए, मैं उसकी बड़ी ताज़ीम करती हूँ, बड़े प्यार से मैं उसके साथ बैठ के रोटी भी खाती हूँ और रोज़ा भी खोलती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम उस नबी की उम्मत में से हैं और हमारी दुआ है कि मरने के बाद भी मेरा पड़ोसी अच्छा हो, उसे तकलीफ ना हो। एक कफन में जाना है, मत कहें ब्रांड ब्रांड ब्रांड, हम ब्रांड से नहीं पहचाने जाएंगे, हम नबी की उम्मत से पहचाने जाएंगे, कलमे से पहचाने जाएंगे। और जो इस दुनिया में करके जाएंगे मेरा रब कहेगा ये मामला यहाँ का यहीं ख़त्म करके जा, मेरा जो सवाल वो कुछ और होगा। ये हम तुम सवाल करने वाले कौन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी से पूछने वाले तुमने नमाज पढ़ी, हम कौन होते हैं किसी से पूछने वाले तुमने रोज़ा रखा, ये अल्लाह के सवाल हैं। हमारा सवाल ये है तू भूखा तो नहीं है, तेरे पास कुछ है तो नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक इंसान ये जो सवाल आते हैं ना दुनियादारी के, ये ज़रूर दुनिया में ही ख़त्म करने हैं, इखलाक से बुलंद मकाम से एक दूसरे का ऐसा ख्याल करके जाने कि आगे जब चले जाएं तो अल्लाह पाक कहे देखो तेरे लिए लोग हाथ उठा के दुआ करते हैं, देखो जिन नौजवानों के लिए ने तुमने कुछ किया है उनके माँ बाप तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, ऐसा क्या काम करके तुम आए हो। तो ये सवाल आते होंगे। आज इखलाक की बात करेंगे और हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशनल मैसेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली और उनकी आल पर बहुत सलामती हो। और बात करूंगी हमारे दरमियान क्योंकि उलमा होते हैं इबादत रमज़ान में और हमें गा बगा, शायद मेरे लफ्ज़ों में कोई गलती कोताही उसके लिए मैं माजरत खाऊँ और मैं अपने रब से भी माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मजहबी मामलों में कुछ शायद मोहब्बत में हम बह जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कुछ इसमें कोताही हो तो मेरा रब मुझे माफ़ करे। और इस वक्त मेरे दरमियान बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारी बात करते हैं और मुख्तसर अंदाज में उनका जो बयां होता है वो दिल में उतर जाता है। मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, इखलाक पे बात हो रही है और मैं कहूँगी बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह आज का टॉपिक भी जो है ना वो पिछले टॉपिकों से बहुत बेहतर माशाल्लाह आपने इसका चुनाव किया है। अल्लाह तबारक तआला हमारे अखलाक को बेहतरीन बना दे। अखलाक खुल्क की जमा है और खुल्क कहते हैं आदत को, खसलत को या खुश मिजाजी को। आदात और अखलाक जो हैं ये नफ़रतें मोहब्बत में तब्दील करवा देती हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपके अखलाक अच्छे होंगे, आप खुश मिजाज होंगे तो जो शरीर किस्म की नफ़रतें भी होंगी वो शिद्दत मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। और इससे हमारे मुआशरे में एक इस्तेहकाम पैदा होता है, मुआशरा मुस्तहकम होता है। और क्यों ना हो, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जब फतेह मक्का का मौका आया तो वो कुफार के जो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम को हम वक्त तकलीफ पहुंचाते थे, दुख पहुंचाते थे, हत्ता के उन काफिरों ने नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम के गले में चादर डाल के आपको ज़मीन में भी आपको चलाया और आपको घसीटा। लेकिन प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में तशरीफ़ लाए और एक वालिहाना अंदाज से आप मक्के में इंटर होते हैं, फातिहाना अंदाज से इंटर होते हैं, तो वो कुफार सहमे हुए खड़े हैं कि आज जो है वो हमारी खैरियत नहीं है, आज तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी गर्दनों को उड़ा देंगे, हमें कत्ल करवा देंगे। लेकिन प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कि प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी दी हुई तकलीफ थी उन तमाम तकलीफ को फरामोश किया और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो काफिर ये देख कर बड़े हैरान हैं कि ये तो वो शख्स हैं कि जिनके साथ हमने इतना गलत किया है, इतना बुरा सलूक किया था, आज ये इतने हुस्ने सलूक का मुजाहरा कैसे कर रहे हैं।
तो काफिरों ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस अखलाक हसना को देखा और इस अच्छी आदत को देखा, तो वो काफिरों में से बहुत सारे काफिर ऐसे थे कि जो कलमा पढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गए। हजरत महजूरा रदी अल्लाह तआला ने एक सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, जब ये ईमान नहीं लाए थे उससे पहले ये गलियों में शरीर किस्म के लड़कों के साथ मिलकर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजान का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ में लकनुत थी, तो ये मजाक उड़ाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन हैं? तो सहाबा किराम ने हजरत महजूरा और जितने भी लड़के थे उनको लाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिठा दिया। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत महजूरा की तरफ देखा और हजरत महजूरा को कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी खुश मतलब अच्छी आवाज़ है, तुम अच्छी आवाज़ के मालिक हो। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बुलाया और एक अशरफियों से भरी हुई थैली जो है वो उसे बतौर इनाम दी। यानी एक काफिर है, वो एक शायर इस्लाम यानी अजान का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का करीम अंदाज देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इनाम की बारिश कर रहे हैं। हजरत महजूरा रदी अल्लाह तआला सारा ये माजरा देख रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत महजूरा के सर पर हाथ फेरा, आपके सीने पर हाथ फेरा और दुआ की, बारक अल्लाहु फीका बारक अल्लाहु अलैका, कि अल्लाह तुझ में भी बरकत अता फरमाए और अल्लाह तेरे वजूद पर भी बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत महजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये दुआ देना थी। हजरत महजूरा ने फौरन उसी वक्त सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे मक्के का मुअज्जिन मुकर्रर कर दें। एक शख्स आया था अजान शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक से उसे मक्के का मुअज्जिन बना दिया। सुभानअल्लाह, ये इस्लाम जो फैला है ये तलवार से नहीं फैला, ये इस्लाम जो फैला है ये अखलाक से फैला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब 40 साल तक कुफार के दरमियान रहती हैं, आपने ऐलान नबूवत नहीं किया होता। सरकार अलैहिस्सलाम को 40 साल की उस जिंदगी में कुफार आपको सादिक और अमीन कहते हैं। आप सरकार अलैहिस्सलाम के अखलाक इतने अच्छे थे कि वो कुफार अपनी अमानत नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास रखवाया करते थे। कोई फैसला करवाना होता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते थे कि आज हम फैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएंगे, इसलिए कि ये सादिक हैं, ये हमेशा सच बोलने वाले हैं, ये अमानत में खयानत नहीं करते। तो इस सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पहलू को सामने रखते हुए हमें ये गौर तफक्कुर करना होगा कि जब कुफार प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं, तो हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हमने तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्चा प्यार करने वाले हैं, सच्चा इश्क करने वाले हैं, तो हम कैसे मुसलमान हैं कि आज हमारे किरदार में वो बेहतरी नहीं है, हमारी गुफ्तगू में वो बेहतरी नहीं है, हमारी गुफ्तगू में सदाकत नहीं है, हमारा किरदार अच्छा नहीं है, हमारी गुफ्तार अच्छी नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये रमज़ान मुबारक इतना प्यारा महीना चल रहा है, इस महीने में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने किरदार को भी संवारेंगे, अपने गुफ्तार को भी अच्छा करेंगे और अपने अखलाक को भी अच्छा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, आप हमें लाइव इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं इबादत रमज़ान, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपने हमसे कोई बात कहनी है, कोई क्वेश्चन करना है या कोई नात सुनानी है, आप लाइव भी, माशाल्लाह कल भी मुझे एक दो लोगों ने नात भी सुनाई, बहुत अच्छा लगा, तो आप हमारे साथ शामिल होते हैं, ज्वाइन होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ बताती चलूँ कि बच्चों का नातिया मुकाबला होगा बहुत जल्द, और उसमें उम्र है आप लोगों की 8 से 15 साल के बच्चे इसमें बिल्कुल मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए कैश प्राइजेज हैं और सारे बच्चों के लिए गिफ्ट हैं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जस्ट आप अपने वीडियो भेजें या आप अपनी आवाज़ भेजें, नंबर है स्क्रीन पर मौजूद 03158248704, क्योंकि आप लोग बहुत दिल रखते हैं कि हम भी अपनी आवाज़ जो है दुनिया तक सुनाएं। तो मैं आपको बता दूं, छठा ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला हो रहा है, और इस मुकाबले का
मैं कहूँगी मैं शुक्रगुजार हूँ अर्श मीडिया का जिन्होंने इसको पूरे इसको कंडक्ट कर रहे हैं नातियों मुकाबले को, और इसका स्लोगन है अर्श पे रहेगा, अर्श पे रहेगा ता कयामत मोहम्मद का नाम। तो इस नातियों मुकाबले का आप हिस्सा बने, और इसमें हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे यहाँ पर आके अपनी आवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल के गुलदस्ते पेश करते हैं और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। बात करेंगे हम आपसे मुफ्ती साहब, आप मौजूद हैं, और कुछ लोग आपने देखा होगा, वैसे तो हम कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हम अपने उम्मत और मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मैंने उन लोगों का जैसे आपने भी जिक्र किया, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो सबसे ऊपर हमारे मोहम्मद का नाम ही आता है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ क्यों हो, किताबें क्यों ना हो, और किताबों में हमारी कुरान पाक का जिक्र आता है। ठीक है, बात ये करेंगे जब हम इखलाक की बात करते हैं तो हम लैकडाउन कहाँ से होते हैं, लैकडाउन के हमारे वालदेन की कुछ तरबियत में कमी होती है, या बच्चे एनवायरनमेंट ऐसा देख के बदतमीज़ी से बोलते हैं, उनका लहजा ऐसा होता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि चाचा से कैसे बात करनी है, फूफो से कैसे बात करनी है, और वही तमीज़ इतनी उनकी ग्रूम अप हो जाती है कि जब वो माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वही लहजा वो उनके साथ इख्तियार करते हैं। और माँ बाप के लिए तो अल्लाह पाक ने एक एक आपने सुना होगा वो भी किस्सा के, उन्होंने गुनाह किया था तो उनकी शक्लें बदल गई थी, लेकिन उस बच्चे ने अपने माँ बाप को गोश्त खिलाने के लिए, क्योंकि वो शक्लें एक ऐसे जानवर की हो गई जिसका नाम लो तो ईमान ही आपका ख़त्म हो जाता है जैसे, तो वो उस बच्चे ने फिर भी कहा था ये तो मेरे माँ बाप है। तो मुझे बताएं तरबियत की कमी कहाँ से नज़र आती है आपको? देखिए, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावेदार हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना जी, तो उसके तमाम शब व रोज़ को देखता है कि उसने किस तरह अपने शब व रोज़ को गुजारा होता है, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब उन्होंने पाया होता है, और क्या क्या उन्होंने हमें फरामीन दिए हैं, यानी जिससे बंदा मोहब्बत रखता है। तो हम जिससे मोहब्बत रखते हैं वो तो प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हमारा दावा भी यही है कि हम सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत का दावा उसी वक्त सच्चा हो सकता है जब हमारा किरदार अच्छा होगा। जो आपने पूछा है कि ये कहां से मतलब कि इसकी कमी है, आया ये माहौल का असर है या तरबियत का फुकदान है, मसला ये है कि हमारी वालिदैन सबसे पहली जो तरबियत गाह है वो वालिदा की गोद है। तो अगर वालिदा आलिमा होगी, यानी उसके पास नॉलेज होगी, इल्म की नॉलेज होगी, इस्लाम की नॉलेज होगी, तो अपने बच्चों में अच्छी नॉलेज को मुंतकिल कर सकती है और अपने बच्चों का अच्छा जहन बना सकती है इस्लाम के मुताबिक। लेकिन अगर वालिदैन के पास ही इल्म ना हो, यानी उनके पास इल्म की कमी हो, फिर वो बच्चों की अच्छी तरबियत करने में कामयाब नहीं होते। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो सोसाइटी में जाता है, वो अपने जैसे लोगों के पास जाता है, उनसे जाके पूछता है, उससे पूछ कर करने की कोशिश करता है, तो फिर होता क्या है कि सोसाइटी के लोग जो हैं वो उसे गलत किस्म के मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को इल्म से जोड़ना चाहिए, अपने आप को उलमा से जोड़ना चाहिए, अपने आप को दीनी किताबों से जोड़ना चाहिए, अच्छी बुक्स, अच्छा लिटरेचर जो है वो पढ़ना चाहिए, और कुरान मजीद फुरकान हमीद का हमें कसरत के साथ मुताला करना चाहिए। इसके मजामीन को अगर अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और कुरान मजीद फुरकान हमीद को मजामीन को बार 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 इसकी स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पास एक इल्म आएगा। जब हमारे पास इल्म आएगा तो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बच्चों की तरबियत की बात करें और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो, उनका मुस्तकबिल भी अच्छा हो। और मुस्तकबिल की बात करूँगी तो मैं उन बच्चों को, मैं स्पेशली नौजवानों के लिए जो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ के दिखाना चाहते हैं,
तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमने अभी कंडक्ट किया। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये कहीं नहीं जा रहे क्योंकि इनसे हमने बहुत सारे सवाल करने, और ये मेरी ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है। जैसे मैं एक होस्ट हूँ और ये मेरे साथ एक ऐसे आलम दीन के तौर पे मुझे मेरी रहनुमाई करें, और जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं उनकी हमारे साथ गाह बगाह रहनुमाई करें। बात करूँगी नौजवानों की, जिस तरह मुस्तकबिल की बात करी, तरबियत की बात करेंगे, तो एक खूबसूरत कदम उठाया है कमांडर सिटी बिल्डर ने नौजवानों के लिए, और विजन है 2040। ये विजन 2040 क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे दिमाग में भी हैं, लेकिन आज सारे क्वेश्चन उनसे पूछिएगा क्योंकि उनके फाउंडर मौजूद हैं। तो यहाँ पर पहले उनका स्पेशल पैकेज देखते हैं और ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। तो वो एक खूबसूरत पर्सन मौजूद है, वो डिग्निटी मौजूद है, जिसने सोचा पाकिस्तान के लिए, नौजवानों के लिए और विजन 2040 के लिए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल सॉन्ग देखें विजन 2040 का।